हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बाकला। ये हमने 250 ग्राम बाकला ले लिया है। इसको हमने दोनों साइड से अच्छे से छील लिया है और उसको 5 से 6 बार वॉश कर लिया है। गाइस, ये हमने धनिया पत्ता लिया है, एक प्याज, टमाटर, अदरक, 4 से 5 हरी मिर्ची, एक लहसुन, इन सबको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बना लिया है। ये जो हमारा बाकला है इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये हमारे पास है ज़ीरा है, सरसों, कलौंजी, मेथी, एक तेज़पत्ता है, 2 लौंग, एक सिनेमन स्टिक है। ये हमारे पास 5 से 6 लाल मिर्ची है, धनिया, हल्दी, इन सब का हमें एक बारीक पेस्ट बना लेना है। गाइस, अब हमें एक बर्तन में ऑयल ऐड करना है। मैं सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो रिफाइंड या जो भी जिसमें भी आप सब्ज़ी बनाते हो वो यूज़ कर सकते हो। ये मैंने ऑयल ऐड कर दिया। उसके बाद जो मैंने बाकला बारीक बारीक कट किया था वो इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम 3-4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। और इसको चलाते रहना है, मतलब छोड़ नहीं देना, नहीं तो फिर ये नीचे से जल जाएगा। और अगर आप ऐसे बनाओगे ना बाकला थोड़ा फ्राई करके, तो बहुत टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए गाइस, बाकला जो है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, मतलब इसका जो ऑयल है उसको अलग करके निकालेंगे। देखिए गाइस, हमने अपना बाकला एक अलग प्लेट में निकाल लिया। अब हम उसमें ही थोड़ा सा और ऑयल ऐड करना है, और जो हमारे पास सूखा मसाला है वो इसमें ऐड कर देना। इसको 1 मिनट तक भूनना है। देखिए हमारा मसाला जो है वो भुन गया है। अब हम इसमें प्याज जो हमने काटा है वो ऐड कर देंगे। इसको भी 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए गाइस, प्याज जो है वो हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बनाया वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी 1 मिनट तक भून लेंगे। गाइस, जो हमने मसाला बनाया है धनिया, मिर्ची और हल्दी का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी उसी बर्तन में लेके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक तेल मसाले से अलग नहीं हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। गाइस देखिए, हमारा मसाला जो एकदम अच्छे से भून गया है। इसमें अब हमारी मिर्ची ऐड कर देंगे। जब मसाले से तेल अलग होने लगे तो सोच लीजिए कि आपका मसाला जो एकदम भुन गया है। अब जो हमारे पास बाकला जो हमने फ्राई किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको 3-4 मिनट तक भूनना है स्लो फ्लेम पर। अगर आपको ग्रेवी वाला सालन चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो 3-4 मिनट भूनने के बाद, नहीं तो आप इसको सूखा सूखी सब्जी के तरह भी खा सकते हो। जैसे आपको अच्छी लगती है वैसे आप खा सकते हो। देखिए गाइस, सब्जी जो है हमारी एकदम अच्छे से भुन गई है। इसी बीच अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप पानी अभी ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद आप 5 मिनट तक इसको ढक के पका लीजिए। मेरे को ग्रेवी वाली नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने सूखी रहने दी है। उसके बाद हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। देखिए गाइस, हमारी एकदम सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।